नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। मनाली में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आप मनाली में किस तरह की एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उनके क्या क्या चार्जेस होते हैं और किस तरह का फन आप इन एडवेंचर एक्टिविटीज़ के दौरान एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं मनाली की सबसे खूबसूरत और सबसे इंटरेस्टिंग जगह, जो कि है सोलांग वैली, जहां पर आपको कुछ इस तरह की बर्फ नज़र आती है। यहां पर कई सारी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, कई सारे तरह के एडवेंचर टास्क होते हैं जो कि आप यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं सबसे पहले सोलांग वैली। सोलांग वैली का डिस्टेंस मनाली से लगभग 15 किलोमीटर का है। ये रास्ता होने में तो छोटा है, लेकिन इस रास्ते को क्रॉस करने में आपको काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि इस रास्ते पर आपको काफ़ी सारा ट्रैफिक मिल सकता है। और ट्रैफिक से बचने के लिए हमारी एक एडवाइस रहेगी कि आप सोलांग वैली के लिए जब भी प्लान करें तो सुबह सुबह ही निकल जाएं। सुबह 5-6 बजे के करीब जब भी आप निकल जाएंगे तो आप जल्दी से सोलांग वैली पहुँच जाएंगे बिना ट्रैफिक के। अगर आप देरी करते हैं तो आपको काफ़ी सारा ट्रैफिक यहाँ मिलता है, जिसमें आपके 4-5 घंटे वेस्ट हो सकते हैं। ये एडवाइस मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ, क्योंकि हमने भी ट्रैफिक में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया है, बिकॉज हम होटल से जल्दी नहीं निकल पाए थे। जब आप सोलांग वैली के लिए निकलते हैं तो रास्ते में आपको कई सारी शॉप्स नज़र आती हैं, जहाँ पर आपको स्नो ड्रेसेस मिलती हैं। स्नो ड्रेसेस लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप बर्फ़ में जाते हैं तो आपके कपड़े गीले हो सकते हैं और गीले होने की वजह से आपको ठंड लग सकती है। तो आप स्नो ड्रेस और बूट्स को ज़रूर लें। लगभग 250 रुपये का कॉस्ट लगता है स्नो ड्रेस का, तो ये एक ज़रूर तरीके से आप इसको लें। तो जिस भी साधन से आप सोलांग वैली तक पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद आपको थोड़ा सा ट्रैकिंग करनी पड़ती है, यानी कि पैदल चलते हुए ऊपर की ओर जाना होता है, और रास्ते में आपको बहुत सारी बर्फ़ नज़र आती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, और सोलांग वैली में काफ़ी सारी एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका मज़ा आप ले सकते हैं। सभी के प्राइजेज मैं एक एक करके आपके साथ क्लियर करूंगा, लेकिन एक ज़रूरी जानकारी बताना चाहूंगा। सोलांग वैली में अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ का पैकेज लेते हैं तो वो सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कि आप इंडिविजुअल एक्टिविटी करें। मान लीजिए आपको स्कीइंग करनी है, आपको ज़िप लाइन करनी है, अगर आप अलग अलग करेंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप 5-6 एक्टिविटीज़ का एक पैकेज ले लें जिसमें कि स्नो ड्रेस भी शामिल होती हैं, तो वो आपको एक तरह से किफ़ायती और सस्ता पड़ता है। तो हमने जो पैकेज लिया है उसका मूल्य है 1200 रुपये, यानी कि 1200 रुपीज़, जिसमें कि 4 एक्टिविटीज़ प्लस स्नो ड्रेस शामिल हैं, यानी कि 4 एक्टिविटीज़ इसके अंदर शामिल हैं। साथ में ही आपको स्नो ड्रेस भी मिलती है 1200 रुपये के अंदर। वो 4 एक्टिविटीज़ क्या हैं एक एक करके मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो सबसे पहली एक्टिविटी है याक राइडिंग, जो कि अभी आप देख रहे हैं। इसमें याक के ऊपर आपको बिठाया जाता है और बर्फ़ के ऊपर याक चलता है, जिससे एक तरह का सैर कराई जाती है आपको याक के ऊपर, जो कि एक काफ़ी एडवेंचर टास्क होता है। जो दूसरी एक्टिविटी इस पैकेज में शामिल है वो है ट्यूब राइडिंग। इसमें एक बड़ी सी ट्यूब पर आपको बिठाया जाता है और नीचे की ओर स्लोप में धकेला जाता है, जिसमें बहुत ही स्मूथली आप जाते हैं बर्फ़ के ऊपर फिसलते हुए, और ये भी बहुत ही मज़ेदार टास्क होता है। जो अगली एक्टिविटी इस पैकेज में शामिल है वो है जिप लाइन, जो कि एक बहुत ही एडवेंचर टास्क है। इसको आपको मैं लाइव दिखाना चाहूँगा। तो हमें काफ़ी थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हो रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है इस जिप लाइन को करते हुए, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। वाह यार, क्या व्यू दिख रहा है। वाह, डर तो नहीं, मजा आ रहा है यार। मजा आ रहा है।
अच्छा था यार, अच्छा था, बहुत बढ़िया। और 1200 रुपये के इस पैकेज में एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि जिप लाइन आपको दो साइड की करवाई जाती है, यानी कि आप एक साइड से जब दूसरी साइड जिप लाइन के थ्रू पहुंच जाते हैं तो दूसरी साइड से वापस से जिप लाइन के थ्रू आप वापस से उसी साइड में आते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया था, तो एक तरह से डबल बेनिफिट आपको हो जाता है। अगली एक्टिविटी जो इस 1200 रुपए के पैकेज में शामिल है वो है स्कीइंग, और ये एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी आपके लिए होने वाली है, बिकॉज़ जब भी आप स्कीइंग पहली बार करते हैं आप कई बार गिर सकते हैं, और आप ही नहीं आपके आसपास के जितने भी लोग हैं कई ना कई बार आपको गिरते पड़ते हुए नज़र आएंगे, जो कि एक फ़नी मोमेंट क्रिएट कर देता है। तो आइए इसे एक्सपीरियंस करते हैं लाइव। सोलांग वैली की एक खास बात कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। अगर हम अभी शर्ट में भी खड़े हों यहाँ पर तो भी हमको ज़्यादा ठंड नहीं लगती, लेकिन एक बात है कि जब आप बूट्स पहनते हैं कुछ इस तरह के, तो बूट्स के अंदर अगर पानी चला जाता है, थोड़ा बर्फ़ चली जाती है, तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और आपके पैर कांपने लगते हैं, तो आप एक्स्ट्रा मोज़े अपने साथ ज़रूर रखें। तो चलिए अब जानते हैं सोलांग वैली में जो अब आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं उसके क्या क्या चार्जेस होते हैं और किस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक लोकल पर्सन है और एक एजेंसी के थ्रू हमने भी काफ़ी अच्छा किया था, यहाँ पर काफ़ी अच्छे एडवेंचर स्पोर्ट किए, काफ़ी मज़ा किया, तो उसकी थोड़ी सी रेट्स जानते हैं यहाँ के सर से। सर बताइए थोड़ा सा यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्टिविटी सर जी यहाँ पर जो बर्फ़ वाली होगी, स्कीइंग हो गया जी, वो बर्फ में होगा, ट्यूब राइड वो बर्फ में होगा, मतलब जो ऑल एक्टिविटी वो बर्फ में ही होगा। अच्छा अच्छा, हाँ जी। जैसे आप नाम बता दीजिए, जैसे ट्यूब राइड है, याक राइड है, पैराग्लाइडिंग है, हाँ जी सर, और क्या है सर, हो क्या हो, जिप लाइन है सर जी, जिप लाइन है, माउंटेन बाइक है, स्नो बाइक है, स्नो बाइक अलग है, हाँ जी, स्नो बाइक वो बर्फ के ऊपर ही चलेगा सर जी, हाँ जी। और सर क्या क्या चीजें होती है इसके अलावा? इसके अलावा सर जी बंजी रॉकेट होता है, पैराग्लाइडिंग होती है, एटीवी राइड होगा आपका। अच्छा, हाँ जी सर। और सर वो एक बॉल जैसा होता है, जॉर्बिंग बॉल भी होता है, जॉर्बिंग बॉल, हाँ जी। अच्छा सर, आप थोड़ा सा चार्जेस बता देंगे, जैसे जिप लाइन का क्या चार्जेस? जिप लाइन का सर जी आपको वैसे कपल का 1500 रहता है, अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आपका कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। और ग्रुप में आते हैं तो कितना लगभग पड़ जाता है? 500 सर जी, 500 पर पर्सन का, जी सर, पर पर्सन का पड़ जाता है। और अगर अकेले अकेले कपल्स लेते हैं तो 1500 रुपए, जी सर। अच्छा, इसमें कोई थोड़ा बहुत कम हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है ना, थोड़ा बहुत गुंजाइश रहती है, हाँ जी सर जी, हो सकता है, ज्यादा रहते तो रेट है थोड़ी बहुत आपके हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। और स्कीइंग वगैरह का? स्कीइंग का सर जी कपल का 2000 है। अच्छा, अगर आप कपल में आते हैं तो 2000 रहेगा, 2000 रहेगा, अगर आप ग्रुप में आते हैं 6 मेंबर से ज्यादा हैं जी जी तो आपका 600 पर पर्सन लगेगा सर जी। और सर एक लास्ट बता दीजिए, पैराग्लाइडिंग का क्या चार्ज रहता है? पैराग्लाइडिंग का सर जी यहाँ पर जो शॉर्ट राइड है जी वो 1000 का होता है। अच्छा, और जो बड़ा राइड है हाई फ्लाई, अच्छा अच्छा, वो जो है 3200 का होगा, उसमें आपका विद रोपवे चार्ज रहेगा, विद रोपवे में ऊपर जाएंगे, और ऊपर से कुछ अलग चार्ज रहता है? नहीं, उसी में हो जाएगा सर जी, पर अगर अलग से कोई रोपवे लेता है तो वो तो सर उसका 700 है, 700 रुपए, 700 रुपए लगता है मतलब, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब 3200 रुपए और ऊपर हाइट का, 1000 रुपए कम का, इसमें भी रेट ऊपर नीचे होता है? ये फिक्स रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर बाकी सारी चीजें सेफ है ना सर यहाँ के? सेफ है सर जी, सेफ है करने के लिए। एडवेंचर है सर जी, अब एडवेंचर में रिस्क भी होता है, ऐसा नहीं है जी सर। सर वो तो आपकी के ऊपर डिपेंड करता है ना सर जी, और ये हो भी जाता है, आगे पीछे हो जाता है, ऐसा नहीं है। और ये शाम के टाइम पे सोलांग वैली बंद हो जाता है? अभी सर जी सब बंद हो जाएगा। और सर जैसे याक राइडिंग होता है उसका क्या चार्ज रहता है? जैसे सर ओनली स्नैप्स लेना हो तो 50 रुपीज भी अच्छा, है, 50 जैसे अगर, अगर राइड करना है तो मतलब 200-250 तक रहता है। अच्छा, लॉन्ग राइड, मीडियम राइड, वो अच्छा, अच्छा, डिपेंड करता है। तो अगर सिंगल सिंगल चीजों को जोड़ा जाए तो प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो और अगर पैकेज लो तो सस्ता पड़ता है। पैकेज में सस्ता रहता पैकेज है, में सस्ता ज्यादा रहता लोग है। अगर कपल सी है तो अब देखो गाइड तो एक यूज होगा ना हमारे भी,
बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अब हम आ चुके हैं कुल्लू में, जिसका मनाली से डिस्टेंस है 40 किलोमीटर का। कुल्लू एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, और मनाली उसके अंडर में आता है। कुल्लू में दो पॉपुलर एक्टिविटीज हैं जिन्हें आप यहाँ पर कर सकते हैं। पहली तो पैराग्लाइडिंग और दूसरी है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग किलोमीटर के हिसाब से होती है कि आपको कितने किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग करनी है। मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग करनी है तो उसका चार्ज पड़ता है लगभग 800 रुपये एक पर्सन का। और अगर आपको रिवर राफ्टिंग करनी है ज़्यादा की, मान लीजिए 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की, तो उसका चार्ज लगता है लगभग 1200 रुपये तक का। तो एक किलोमीटर के ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितने डिस्टेंस वाली रिवर राफ्टिंग करनी है। जब आप कुल्लू से मनाली जाएंगे या मनाली से कुल्लू जाएंगे तो रास्ते में आपको कई सारे काउंटर्स नज़र आएंगे जो कि रिवर राफ्टिंग या पैराग्लाइडिंग करवाते हैं, तो उनसे मिलकर आप करंट रेट का पता भी कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि बेस्ट सीज़न क्या होता है कुल्लू मनाली और कसौल घूमने का। जब आपको बर्फ़ यहाँ देखने मिलती है या फिर अगर आप नेचुरल ब्यूटी को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कौन सा टाइम बेस्ट रहता है? सर थोड़ा सा बेस्ट सीज़न के बारे में बताइए। सीज़न का सर ऐसा ना, अगर किसी को स्नोफॉल देखना है तो जनवरी में प्लान करें, जनवरी और फरवरी में स्नोफॉल रहता है। बेस्ट टाइम है, मतलब भरपूर स्नोफॉल रहती है। अगर आपने जैसे स्नो पड़ी रहती तो ये अप्रैल तक तो मतलब मनाली में स्नो आपको मिलेगा। अच्छा। अगर उसके बाद आप अगर आप समर में आ रहे हैं, मई जून में, अगर गर्मियों की छुट्टियों के अक्सर मतलब बड़े ऊपर रहती है, गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा, तो रोहतांग पास चालू रहता है, रोहतांग पास में आपको बर्फ मिलेगी। तो ये है सभी एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो कि आप कुल्लू मनाली टूर के दौरान एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।